physical quantity. Hello, good afternoon. Today topic is physical quantity. ये class 11th का है, समझ गए? Class 11th या basic समझ लो physics का. Physics यहीं से शुरू होता है. Physical quantity is that quantity which can be measured. समझ गए? By using measuring instrument. समझ गए? Physical quantity is that quantity which can be measured by using measuring instrument. या सीधे लिखो by using instrument. Physical quantity वो quantity है जिसको हम instrument के through measure कर सकते हैं. किसको किसको measure कर सकते हैं? Example जैसे आपका mass, अपना mass, length, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन, वर्क. समझ गए? फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट. एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन, ईटीसी. और भी बहुत सारा एग्जांपल जिसको भी हम नाप सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. समझ गए? वैसे अगर हिंदी में देखें फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है? भौतिक राशि. समझ गए? भौतिक राशि वो राशि है जिसको हम नाप सकते हैं. किससे? किसी भी मशीन से. समझिए, किसी भी नापने वाले यंत्र से. किसी भी यंत्र से हम अगर भौतिक राशि वो राशि है जिसको इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र होता है. फिजिकल क्वांटिटी मीन्स भौतिक राशि. भौतिक क्वांटिटी मीन्स राशि. समझिए, फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इफ यूज वी यूज बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट. भौतिक राशि वो राशि है जिसको हम नाप सकते हैं. किसके द्वारा? यंत्र के द्वारा. एग्जाम्पल मास का हिंदी होता है द्रव्यमान, लेंथ का लंबाई, टाइम का समय, टेम्परेचर का तापमान, स्पीड का चाल, डिस्टेंस का दूरी, डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन, वेलोसिटी का वेग, मोमेंटम का संवेग, फोर्स का बल, इंपल्स का आघात, रिटार्डेशन मींस मंदन, एक्सीलरेशन मींस आपको त्वरण. समझ गए? ये फिजिकल क्वांटिटी. और भी एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो क्या लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी का? भौतिक राशि एग्जाम्पल और भी लिखे तो क्या लिख सकते हैं? वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, पहले मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन, बाद में वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का विद्युत धारा, मैग्नेटिक फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र. समझ गए? ये आपका भौतिक राशि है. समझ गए? ये आपका फिजिकल क्वांटिटी आपका हो गया.
फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं किसके द्वारा, पहले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे, भौतिक राशि को ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या होता है आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एक और होता है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसमें डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में अगर बोले तो भौतिक राशि को दिशा और परिमाण के आधार पे तीन विभाग में डिवाइड करते हैं। स्केलर मीन्स होता है अदिश भौतिक राशि, वेक्टर मीन्स सदिश राशि भौतिक राशि, टेंसर मीन्स टेंसर भौतिक राशि, समझ गए। दूसरा दूसरा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी को हम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट डिवाइड, यूनिट का हिंदी में क्या होता है इकाई, और यूनिट के आधार पे यूनिट का डिफिनेशन क्या होता है, इन ऑर्डर टू मीजर फिजिकल क्वांटिटी, इन ऑर्डर टू मीजर ए फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स ऑफ दैट पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिवाइड के स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यूनिट का हिंदी क्या है इकाई, इकाई के आधार पे यूनिट को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, तो सबसे पहले यूनिट का डिफिनेशन क्या होता है, इन ऑर्डर टू मीजर ए फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, समझ गए। द मैग्नीट्यूड, समझ गए, इकाई को मीजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड जिसको हम जिससे हम नापते हैं उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड एम ऑफ of a physical quantity, magnitude m of a physical quantity, m बराबर क्या होगा n into u, where n number, a numerical value, नंबर एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेजर ऑफ द क्वांटिटी,
यू क्या है, यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। समझ गए? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, एम बराबर एन इंटू यू। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेजर ऑफ द क्वांटिटी, यू इज द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। जैसे हम मास को, द्रव्यमान को, मास को नापने के स्टैंडर्ड क्या है, केजी है या ग्राम है। जैसे 5 kg, 5 क्या है नंबर, 1 क्या हो गया, यूनिट्स हो गया, 1 केजी यूनिट्स हो गया। या 5 ग्राम है, 5 क्या हो गया नंबर हो गया, और 1 ग्राम, ग्राम क्या होगा उसका, यूनिट्स हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। समझ गए? थैंक यू।